भाई मैं हो गया हूँ बिल्कुल रेडी। अब मेरी बिग और दाढ़ी रह गई है जो कि मैंने निकाल कर रख ली है, पर मैं इसको लगाऊंगा जब भी जब जाऊंगा क्योंकि अभी गर्मी लग रही है। तो हे वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और आज है रामलीला का डे वन, तो अभी हम लोग जा रहे हैं रेडी होने के लिए क्योंकि अभी भूमि पूजन वगैरह पता नहीं हुआ या नहीं हुआ क्योंकि मैं सीधा ऑफिस से आया हूँ। तो चलते हैं और करते हैं अपना मेकअप वगैरह जो भी स्टार्ट। तो भाई हमारी जो स्टेज बने आपको कल के ब्लॉग में दिखाई थी वो फाइनल लुक हमारा ये आ रहा है, मतलब काफ़ी अच्छी वाइब आ रही है, भीड़ भाड़ भी है थोड़ी बहुत। और रेडी कब होंगे हम हमें पता नहीं है। हाँ कल ले लेंगे, कल मैं बता दूंगा तेरे को। तो लाइव वाले आ गए हैं भैया यहाँ पर, मेकअप रूम अभी देखा नहीं है मैंने यहाँ पे, तो मैं जस्ट अभी ऑफिस से ही आया हूँ, पता नहीं है बाकी का वाइब एकदम ओके है। तो चलो चलते हैं अंदर और करते हैं स्टार्ट। तो भाई यहाँ पे चल रहा है मेकअप, मेरा फेस रेडी हो चुका है, मैं दिखाता हूँ आपको अभी। ये हमारे जय भैया कर रहे हैं नारद जी को रेडी, और आकाश भैया हो गए हैं मतलब इंद्र के रूप में, कपीश जी की आरती होने जा रही है तो वो भाग गए हैं स्टेज पे, बाकी की हमारे विष्णु जी तैयार हो रहे हैं ये, और फेस रेडी हो गए अपने, मतलब इनके बाद मैं अपना जाऊँगा रेडी करने। कपड़े भर लो इसमें, पता नहीं बना पाऊंगा क्योंकि माइक की आवाज़ आ रही है तो आवाज़ मेरी नहीं जाएगी। ठीक है समझ जाना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, अपना भाई तैयार कर ही रहा है। तो ये रहे हमारे आकाश भैया जो इंद्र के लिए रेडी हो रहे हैं। पूरा पीछे से बंद जाना, अभी पीछे जाओ, थोड़े से पीछे जाओ। ये आरती के लिए तैयार हो रहे हैं और तो भाई मेरा मेकअप होने जा रहा है शुरू, अभी आरती हो रही है, मेरा मेकअप अपनी देर से शुरू ही नहीं हो पा रहा। बहन रूबी रावत जी जो कि निगम पार्षद है वार्ड नंबर 10 हम लोगों का भी मैं अपने वधराम जिला कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन और अभिनंदन का, इस क्षेत्र के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इनके नाम का भाई मैं हो गया हूँ बिल्कुल रेडी। अब मेरी बिग और दाढ़ी रह गई है जो कि मैंने निकाल कर रख ली है, पर मैं इसको लगाऊंगा जब भी जब जाऊँगा क्योंकि अभी गर्मी लग रही है तो अभी चल रहा है इंद्र का क्या बोलते हैं उसको, इंद्र का दरबार चल रहा है जिसमें उनका कोई सीन है। तो हमारे कामदेव जी रेडी हो रहे हैं और ब्रह्मा यानी कि मैं रेडी हो चुका हूँ, तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में, मैं जाता हूँ पहले लाइव। भाई नारद जी हैं मेरे साथ, अभी इनका सीन अभी होगा स्टेज पे, ये तपस्या करने जाएंगे और फिर ये मेरे पास भी आएंगे, तो आज मैं इनका पिताश्री बनाऊंगा। तो आज वैसे दो तीन दिन बाद हम अर्धांगिनी हो जाएंगे इनके, और ये हमारे विजय गान का समाचार लेके मैं जी के पास पहुँचूंगा। तो आज ये बने हैं नारद जी और मैं बना हूँ इनका पिता यानी कि ब्रह्मा जी। तो अभी हमारा सीन मतलब मेरा सीन में थोड़ा सा टाइम है इसलिए मैं रिलैक्स हूँ बिल्कुल, और जब मेरा सीन होगा तो मैं अपने कॉस्ट्यूम वगैरह में पूरा एकदम प्रिपेयर आ जाऊँ हो जाऊँगा। तो चलो अभी देखते हैं क्योंकि मैं बोल इसलिए नहीं पा रहा क्योंकि माइक की आवाज़ क्लास हो रही है, तो थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा आप लोगों को। अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम अभी तक फॉलो नहीं कराया तो जाके कर लो क्योंकि मैं टाइम टू टाइम वहाँ पे लाइव आता रहता हूँ। तो चलो अभी मिलते हैं फिर से थोड़ी देर बाद। शंकर जी को मिल गया है थोड़ा सा टाइम, इनका जुड़ा हुआ अभी सेट नहीं हुआ है, तो शंकर जी बने हैं कबीर जी और हम क्या बने हैं, अच्छा ब्रह्मा विष्णु अभी रेडी हो रहे हैं और महेश रेडी हो चुके हैं। तो अभी अगर विष्णु भी आएंगे तो मैं आपको कराता हूँ उनसे मुलाकात, ठीक है। और हमें बनानी है अभी एक रील, तो रील बनाकर मिल गया। बोल दो कुछ माइक में आवाज़। ये हमारे विष्णु जी भी रेडी नहीं हो रहे हैं पता नहीं क्यों, कामदेव जी के माइक लग रहा है। मेरी दाढ़ी लग के एकदम दाढ़ी मूछे लग के बिल्कुल सेट हो गई है, अब मेरा वो रह गया है सिर्फ एक जो चार मुंह वाला मुंह है वो रह गया है, वो लगकर हो जाऊंगा मैं पूरा ब्रह्मा रेडी। तो
नहीं होगी उसमें। पितामह ब्रह्मा जी के चरणों में पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार हो, कल्याण हो पुत्र। कहो पुत्र, आज ब्रह्मलोक में कैसे आना हुआ? हे पिताजी, मन में इच्छा जागृत हुई सो पुत्र आपके चरणों में। ये तो बहुत अच्छा किया पुत्र, परंतु पुत्र तुम्हारे मुख पर यह प्रसन्नता का क्या कारण है? अवश्य, इसीलिए मैं आपके पास चला आया। यह तो बहुत अच्छा किया पुत्र, परंतु पुत्र मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए पितामह, क्या कहना चाहते हो? यह जो गाथा अभी तुमने मेरे समक्ष रखी है, मैं चाहता हूँ कि तुम इस गाथा को श्री हरि के समक्ष मत रखना। ठीक है पितामह, अगर आप कहते हैं तो कदापि नहीं। मेरा सीन हो गया कंप्लीट, वो मेरा आज का सीन जो ब्रह्मा का था वो कंप्लीट हो गया है, और अब मैं जा रहा हूँ चेंज करने के लिए। माइक वाइक मैंने बंद कर दी, दोबारा मत चली जाएगी, तो अब हम जाते हैं चेंज करने के लिए। ये है पिन्नू, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है, इससे मेरे देखो निशाने पड़ गए मेरे यहाँ पे। आओ विष्णु, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ। तो भाई ये है विष्णु और जो कि मनीष भैया, अब मैं जा रहा हूँ, तो मैं जा रहा हूँ कपड़े चेंज करने के लिए, क्योंकि मेरा गेटअप जो था मेरा सीन सारा खत्म हो चुका है। तो चलो भाई बाय, मिलते हैं। ब्रह्मा का रोल खत्म हो ही गया था, फिर मेरे को इन लोगों ने बोला कि राजा बन जाए, एक स्वयंवर में एक स्वयंवर होगा मिस मोहिनी का, उसमें जाने के लिए। तो मैं फिर एक राजा भी बन गया हूँ, अभी देखते हैं और क्या बन गया, मेरे को खुद पता नहीं लग रहा। स्वयंवर में जाने के लिए राजा बना दिया ऐसे ही, पता नहीं क्या ही लग रहा हूँ मैं।